मुल्क यूनान, इसे ग्रीस भी कहा जाता है, इसे कदीम और जदीद तहजीबों की हसीन माजगा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये समंदरों और पहाड़ों की सरजमीन है। समंदर और पहाड़ यूनान की मईशत समेत इस मुल्क की तारीख और तहजीब में भी अहम किरदार अदा करते हैं। यूनान कमोबेश 51,000 मुरब्बा मील के रकबे पर फैला हुआ है और रकबे के एतबार से ये मुल्क बर्तानिया के तकरीबन बराबर है। यूनान एक जजीरा नुमा मुल्क है। यहाँ इसके तीन इतराफ में समंदर है और एक तरफ खुश्की है और इसकी सरहदें योगोस्लाविया, बल्गारिया और तुर्की से मिलती हैं। समंदर के कमोबेश 2,000 छोटे बड़े जजायर यूनान में हैं और बाज जजायर तो यूनान से दूर हैं और तुर्की के करीब हैं, लेकिन उन पर यूनान का ही कब्जा है। यूनान का दारुल हुकूमत एथेंस है, जो यूरोप की तारीख में अपनी एक तारीखी और तहजीबी शिनाख्त रखता है। ये शहर अपने मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के अलावा मुमलिकत की एक तिहाई आबादी को अपने अंदर समोए हुए है। 25 मार्च यहाँ योम आजादी के तौर पर मनाया जाता है। यूनान जोग्राफियाई तौर पर ऐसी जगह वाके है जहाँ यूरोप, अफ्रीका और एशिया के रास्ते बाहम मिल रहे हैं, इसीलिए ये सरजमीन माजी की तारीख में बहुत अहम किरदार अदा करती रही है। बाज लतीनी हुक्मरानों और उस्मानी तुर्क बशिंदों ने यूनान के इस महले वकू को अपनी हुकूमतों के वसत के लिए खूब इस्तेमाल किया था और इस मुल्क के जरिए तीनों बड़े आजमों के इलाकों पर अपना इक्तदार तवील से तवील तर किया। शायद इसी वजह से आज का यूनान गुजरे हुए 300 सालों की सकाफत का अमीन है और इसकी जुबान में सदियों की तहकीक और इंसानी खुशबू रची बसी है। यूनान के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक की बात की जाए तो यूनान का सरकारी नाम हेलेनिक रिपब्लिक है। यूनान अफ्रीका और एशिया दोनों के करीब जनूब मशरिक यूरोप में वाके है। 2011 में यूनान की आबादी तकरीबन 11 मिलियन थी। यूनान का दारुल हुकूमत एथेंस है, जबकि यहाँ के मजीद बड़े शहरों में थेसालोनिकी, पेट्रस और लैरिसा जैसे शहर शामिल हैं। यूनान में तकरीबन 2/3 लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी शहरी इलाकों में बसर करते हैं। यूनान की सरकारी जुबान ग्रीक है, जो तकरीबन 500 साल कबल मसीह से बोली जा रही है। यही वजह है कि ये यूरोप में बोली जाने वाली पुरानी जुबानों में से एक है और इस जुबान पर जमाने के नशेबो फराज ने कम ही असरात डाले हैं। यूनान यूरोपीय यूनियन का रुकन है और यहाँ की करेंसी यूरो है। यूनान एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूनान एक आलमी सियाहती मुल्क है। यहाँ तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे तारीखी मकामात मौजूद हैं जो आलमी सकाफती विरसा में शामिल हैं। यूनान में हजारों जजीरे हैं, जिनमें सेंटोरिनी और मेकोनोस जैसे खूबसूरत जजायर भी शामिल हैं। यूनान यूरोप के उन ममालिक में शामिल है जहाँ बहुत बड़े रकबे पर पहाड़ ही पहाड़ हैं। यूनान का 80% के करीब रकबा पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। यूनान में जो सबसे बड़ा पहाड़ है उसका नाम माउंट ओलंपस है और इसकी बुलंदी 9,750 फुट है। यूनान संगे मरमर का घर भी है, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त 7% संगे मरमर यूनान से ही पहुंच रहा है। यूनान में कोई भी शहरी वोट देने से इनकार नहीं कर सकता। यहाँ ऐसा कानून है कि जिसकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है उसे हर हाल में वोट देना ही पड़ता है। यूनान सयाहों के लिए कितना अहम मुल्क है इसका अंदाजा इस बात से लगा ले कि दुनिया भर से तकरीबन हर साल 16.5 मिलियन सयाह इस मुल्क का रुख करते हैं। यूनान यानी ग्रीस दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां बैनल अक्वामी हवाई अड्डों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसकी एक वजह यहां आने वाले गैर मुल्की सयाह भी हैं। यूनान जैतून की वजह से भी मशहूर है। ये सिलसिला 13वीं सदी से जारी है। 1990 से पहले यूनान के लिए सबसे बड़ा खतरा तुर्की था। इन दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ इलाकों पर कई सालों तक तनाजा रहा, पर 1999 में तुर्की और यूनान में एक जलजला आया था। ये दुनिया का वाहिद जलजला था जो तबाही तो लाया था पर तुर्की और यूनान के इख्तलाफात को काफी हद तक कम कर गया था, जब दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की जलजले में खूब मदद की। यूनान में दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में ज्यादा आसारे कदीमा के अजायब घर हैं। फुटबॉल का खेल, जो कि दुनिया में बेहद मकबूल है, ये यूनान का कौमी खेल है। शुमाली यूरोप और एशिया में हर साल लाखों की तादाद में परिंदे यूनान का रुख करते हैं।
जो यहाँ सर्दियों का मौसम गुजारने आते हैं। यूनानी बशिंदों की आमदनी का 10% हिस्सा टैक्सों की नजर हो जाता है, जबकि 10% नेशनल हेल्थ केयर की नजर हो जाता है, पर हुकूमत इसके बदले में मुफ्त हॉस्पिटल्स और तिब्बी खिदमात फराहम करती है। यूनानी शहरियों को साल में कम से कम एक माह की छुट्टियां मिलती हैं। तकरीबन 10% यूनानी बेरोजगार हैं। यहां तक कि यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर लेने के बाद भी यहां काम ढूंढना बहुत मुश्किल है। यूनान के परचम में दो रंग हैं, सफेद और नीला। नीला रंग यूनान के समंदर और आसमान की नुमाइंदगी करता है, जबकि सफेद रंग आजादी की जद्दोजहद की इलामत है। यहाँ कुदरती वसाइल ना होने के बराबर है और काबिले काश्त रकबा भी ज्यादा नहीं है। इसकी एक वजह शायद ये भी है कि यूनान में बारिशें बहुत कम होती हैं। सीमेंट और कपड़ा ही यहाँ की चीदा चीदा पैदावार है, जो मकामी जरूरियात ही पूरा कर पाती है। यूनान की तारीख की बात की जाए तो यूनान क्योंकि एक कदीम मुल्क है, इसलिए सदियों से यहाँ पर हिजरत का अमल कसरत से जारी रहा है। तुर्कों के बहुत से कबाइल यहाँ मुस्तकिल आबाद होते रहे हैं। अफ्रीकी गुलामों के खानदान यहाँ सदियों से आबाद हैं। इनके अलावा मुसलसल सियासी इनकलाबात के बाइस कई एशियाई नस्लों के लोग भी अब इस सरजमीन को अपना वतन कहकर खुश होते हैं, और यूरोप से आने वालों को तो ये वतन अपना कहकर हमेशा गले लगाता ही रहा है। 1453 को उस्मानी तुर्कों ने यहाँ कब्जा किया। उस वक्त बाज नतीनी आखिरी बादशाह यहाँ हुकूमत करता था, जो मैदान जंग में शिकस्त खाता हुआ यूनानी हदूद से निकल गया, और इस तरह ये मुल्क मुसलमान सुल्तानों के कब्जे में आ गया। कमोबेश 400 साल के शानदार तवील दौरे हुकूमत के बाद 18वीं सदी में यहाँ से मुसलमानों के दौरे हुकूमत का खात्मा हुआ। आज भी यूनान के कुछ इलाके यूनानी तुर्कों की यादगारों से भरे हैं। यूनान का मौजूदा दस्तूर 1975 में मंजूर किया गया था। इससे पहले 1967 से 1974 तक यहाँ फौजी आमरियत मुसलत रही। 1986 में इस दस्तूर में मजीद तरामीम की गई और सदर के इख्तियारात का मजीद तयन किया गया। अब यहाँ के सदर के पास वसी इख्तियारात हैं, और सदर पार्लियामेंट से 5-5 साल के लिए 2 बार मुंतखब हो सकता है, जबकि वजीर आजम की मुद्दत इंतखाब 4 साल होती है। यहाँ की सियासी पार्टियाँ ज्यादातर शख्सियतों के जेरे असर होती हैं। मुमलिकत को 13 इंतजामी हिस्सों में तकसीम किया गया है, लेकिन हुकूमत का इंतजाम ज्यादातर मरकजियत का ही मोहताज है। 1974 तक फौज भी मुल्की सियासी मामलात में मुदाखलत करती रही है, मगर अब यहाँ ऐसा नहीं होता, या होता भी है तो बहुत ही कम। यूनान में GDP का 6% दिफा पर खर्च किया जाता है, और ये इस इलाके में मौजूद ममालिक में दिफा पर खर्च की जाने वाली सबसे ज्यादा शरह है। यूनान का तालीमी निज़ाम काफ़ी मुश्किल है, शायद इसीलिए यहाँ के स्टूडेंट्स को स्कूल के अलावा भी तालीमी तफहीम के लिए उसाद्जा के पास जाना पड़ता है। सकाफ्ती तौर पर यह मुल्क एक शानदार विरसे का हामिल है। बाज नतीनी दौर की मुतादद यादगारें, जिनमें बादशाहों के मकबरे भी शामिल हैं, यहाँ का अजीम विरसा है। लोग दूर दराज से यहाँ माजी की इमारत देखने के लिए आते हैं, जिसके बाइस सियाहत अब यूनान में एक सनत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यूनान की आबादी 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है। यूनान में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद आबाद थी, लेकिन 1923 के यूनान तुर्की मुआहदे के बाद, जिसमें आबादी के तबादले का भी मुआहदा शामिल था, यूनान में मुसलमानों की तादाद कम होने लगी। इस मुआहदे के तहत मुसलमान तुर्की रवाना हो गए, जबकि ईसाई यूनान मुंतकिल हो गए। अब मुसलमानों की 400 साल हुकूमत वाले इस मुल्क में मुसलमानों की शरह सिर्फ 15% रह गई है। 1990 के बाद से यूनान में मुसलमानों की आमद का सिलसिला कसरत से जारी है। ये मुसलमान मशरक वस्ता, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से यहाँ मुंतकिल हुए हैं। 2006 में यहाँ मुसलमानों को मस्जिद बनाने की इजाज़त भी मिल गई, और अब एथेंस के मगरिब में एक बहुत बड़ी जगह पर मुश्तमिल मुसलमानों का दीनी मरकज मौजूद है, जहाँ मुसलमान अपनी दीनी तालीम और फराइज की बजा आवरी के लिए जमा होते हैं। तुर्की और यूनानी जुबान में यहाँ के मुसलमान बच्चे अपनी मजहबी तालीम हासिल करते हैं, जबकि कुरान मजीद इन्हें अरबी में ही सिखाया जाता है।